राजधानी पटना के राजा बाजार स्थित एक निजी अस्पताल गेटवेल अस्पताल में एक महिला प्रसव पीड़ा के बाद ऑपरेशन करवाने पहुंची। ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई और बच्चे की भी मौत हो गई। मृत महिला का नाम शोभा बताया जा रहा है। मृतक महिला गर्दनीबाग की रहने वाली थी और घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। परिजन ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन के नाम पर 2 लाख रुपए लिए हैं और यूं ही महिला की मौत हुई। उसके बाद अस्पताल के लोग ताला बंद कर फरार हो गए। परिजन महिला की मौत के बाद सड़क जाम करने पर उतारू हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर उन्हें वहाँ से भगा दिया। जब बच्चा मातृ सुरक्षित था, रात को जब माँ बच्चा दोनों सुरक्षित था, रात के 11 बजे भर्ती कराया गया, ठीक है। उसके बाद जो डिलीवरी हुआ बच्चा का अर्लियर मॉर्निंग सुबह में आज, हाँ, उसके बाद क्या किया कि बच्चे का मिस घोषित कर दिया गया, जो दुनिया में आया भी नहीं था, मिस ब्रोकेज हो गया था, हाँ, जो दुनिया में आया नहीं था। डॉक्टर या तो ये दो कंफ्यूजन के क्लियर करता है, या तो माँ को बचाए या बच्चे को बचाए। डॉक्टर ने ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं किया, ठीक है। बच्चा ये मर गया, जो भी दुनिया में नहीं देखा, अभी आँख भी नहीं खोला है, वो मर गया, वो मर गया, उसकी माँ भी मर गई। और हम लोग का नाम ये है, हमारे दोस्तों जो परिवार लोग हैं, उनकी वाइफ का किडनी निकाल के उनका ऑपरेशन कर दिया गया, पोस्टमार्टम कर दिया गया है। आई वांट टू सॉल्व दिस बोर्ड सही थी, उसके बाद अब मौत हो गया। हम नहीं बता सकते ना, हम लोग तो विधि व्यवस्था के लिए हम लोग आए, हम लोग रोड जाम ना हो, आग लगा रहा था कार में, आग लगा रहा था, कपड़ा लगा, हम लोग बचाए उसको। सर आखिर पता किए होंगे पूरा मामला क्या? मामला ये कि इलाज रद्द थी, क्रिटिकल हालत था, मर गई, डेथ कर गई। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।